एनिमल मूवी का बेसब्री से इंतजार कर रहे दर्शकों का यह इंतजार आज समाप्त हो गया। ऐसे में हम आज हम पीबी सिनेमा हॉल पे हैं। आप देख सकते हैं कि एनिमल को लेकर इस तरीके का क्रेज है कि जो काउंटर वो खाली है, क्योंकि पहले से ही ये पूरा शो हाउसफुल है। युवाओं में इस फिल्म के प्रति इस तरीके से क्रेज है कि पहले से ही सभी ने टिकट बुक करा लिया है। ऐसे हमारे साथ कुछ युवा हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि इस फिल्म को लेकर क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से वो फिल्म का इंतजार कर रहे थे, वो इंतजार खत्म हुआ या नहीं। आज एनिमल जो फिल्म है वो रिलीज हो गई है, रणबीर कपूर का किरदार उसमें देखने लायक है। आपने मूवी देखी है, उसको लेकर आपने काफ़ी क्रेज भी था, किस तरह की मूवी लगी? बहुत ही अच्छी मूवी थी, रणवीर कपूर जी ने और जो सब ने बहुत अच्छा काम किया है पारिवारिक फिल्म में। बहुत ही बढ़िया मूवी रही, किरदार मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या नाम? हसन नाम है मेरा। अच्छी बताइए, आज जो ये अपने एनिमल मूवी रिलीज हुई है, कितना इंतजार था इस मूवी को लेकर? काफ़ी था, और इसमें जो मतलब रणवीर कपूर का लुक था वो भी बहुत अच्छा था, इंटरेस्टिंग था काफ़ी मतलब, और बॉबी देओल का कमबैक भी बहुत अच्छा रहा इसमें। मतलब कितना देना चाहेंगे इस मूवी को? इसको मेरा नाम भाई ऋतिक त्यागी है। आज ये एनिमल मूवी रिलीज हुई है, कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी मूवी है भाई, बहुत बढ़िया, मैं तो कह रहा हूँ सबको देखनी चाहिए। क्या नाम? रोहन बालियान। रोहन जी, कैसी लगी आपकी मूवी? बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया, मजबूत पिक्चर बना रखी बहुत। कौन सा एक्शन सबसे अच्छा लगा? आखिरी का बुचर वाला। तो कैसे डायलॉग जो आपको सबसे अच्छा लगा मूवी का? डायलॉग तो याद नहीं, पर आखिरी का बुचर वाला सीन बहुत तगड़ा था। फिल्म को लेकर युवाओं में काफ़ी क्रेज है, सोशल मीडिया पर भी इस फिल्म को लेकर युवाओं द्वारा अच्छे अच्छे रिव्यू दिए जा रहे हैं। काफ़ी युवा तो इस फिल्म को जिस तरीके से इंतजार कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनकी जो उत्सुकता थी वो यहाँ देखने को मिली है, और सभी ने काफ़ी इंजॉय किया है। न्यूज 18 मेड से विशाल भटनागर की रिपोर्ट।